हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वेकॉम वन बाय का CTL-472 मॉडल का जो पेन टेबलेट है उसका। बताने वाला हूँ कि इस पेन टेबलेट का क्या क्या फीचर्स है और इस पेन टेबलेट के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाता है। दोस्तों, एक पेन टैबलेट को आप ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने में, ड्राइंग करने में, फोटोशॉप में एडिटिंग करने में, या फिर अपने लैपटॉप या पीसी में उसको माउस की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस डिवाइस को पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एंड उसके बाद इस डिवाइस के फीचर्स के बारे में वन बाय वन बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये डिवाइस मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। आप देख सकते हो ये अमेजोन का पैकेजिंग है। तो चलिए सबसे पहले पैकेजिंग को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये डिवाइस ऐसे एक बॉक्स में आता है। तो देख सकते हैं कि बॉक्स के बाहर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अभी बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये है इसका मेन यूनिट टैबलेट, जो कि दो कलर में अवेलेबल है, एक है ब्लैक और दूसरा है रेड। मैंने यहाँ पर रेड वाला वर्जन परचेज किया है, काफ़ी प्यारा सा लुक है। तो सबसे पहले डिवाइस को हम लोग साइड कर देते हैं, वीडियो में आगे डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कि आपको डिवाइस के साथ क्या क्या चीज़ें मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, जहाँ पे डूज डोंट्स ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक स्टाइलिश पेन, जिसको आप इस टैबलेट में लिखने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करोगे। इस स्टाइलिश पेन में दो बटन्स हैं, कैसे आप इस स्टाइलिश पेन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो वो मैं वीडियो में आपको आगे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा निब्स। अगर स्टाइलिश पेन का सामने वाला निब रगड़ जाता है तो आप इन एक्स्ट्रा निब्स का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा निब चेंजर भी मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप इजीली निब को चेंज कर सकते हो। और इस डिवाइस के साथ आपको एक USB केबल मिल जाता है, जिसके मदद से आप जो मेन टैबलेट है उसको आप अपने लैपटॉप या PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस में कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं है और ये 5 वाट का बैटरी कंज्यूम करता है। तो आप सेफली इसको आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो। अगर इस डिवाइस के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस का हाइट है 9 mm, विथ है 21 cm और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 250 grams के आसपास है। अगर इस डिवाइस का एक्टिव एरिया के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि डिवाइस के ऊपर कुछ डॉट्स बने हुए हैं। तो आप जब भी आप इस डिवाइस को यूज़ करेंगे तो आपको स्टाइलिश पेन इसी डॉट्स के अंदर यूज़ करना है। अगर आप स्टाइलिश पेन को इस डॉट्स के बाहर यूज़ करोगे तो वहाँ से आप कुछ भी इनपुट नहीं डाल पाओगे, क्योंकि डॉट्स के बाहर का जो एरिया है वो इनएक्टिव है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही आप इस डिवाइस को आपके लैपटॉप या PC के साथ कनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर लाइट है जो कि जल जाता है और उसके बाद आपका डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे ही आपका डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, जहाँ से आप इस टैबलेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस स्टाइलिश पेन का आप सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हो। स्टाइलिश पेन में जो दो बटन है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि किस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहते हो। अभी मैं इस स्टाइलिश पेन को यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्टाइलिश पेन को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा OneNote 2016 जो वर्जन है उसको यूज़ करूँगा। ये देखिए, आप काफ़ी ईजिली यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देख सकते हो आप, काफ़ी सेंसिटिव है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक पेपर में लिख रहे हैं, बिल्कुल आप पेपर में जिस तरह से आप किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं या फिर लिखते हैं उसी तरह का फीलिंग आपको मिलेगी इसके साथ। सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छा है। ये पेन टेबलेट आपको अमेजोन में 5,000 to 6,000 के अंदर मिल जाता है। ओवरऑल एक बजट फ्रेंडली एंट्री लेवल पेन टेबलेट है, जिसको आप डेफिनेटली आपके एजुकेशनल वीडियोस बनाने में आप यूज़ कर सकते हो, आपके यूट्यूब चैनल में भी आप यूज़ कर सकते हो। इस डिवाइस को एंट्री लेवल यूट्यूबर्स के लिए या फिर जो एजुकेशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली इस डिवाइस को मैं रिकमेंड करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।